हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉयल इंडियन किचन से मैं किरण इंडोलिया। आज मैं आपके साथ छेना के रसगुल्ले की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जिसके लिए मैंने 1.5 लीटर फुल क्रीम मिल्क लिया है, जिसे मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया है। और ये 2 नींबू लिए हैं जो मीडियम साइज़ के हैं। अगर आपके पास नींबू ना हो तो आप वाइट विनेगर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, दूध गर्म हो चुका है। देखिए, दूध में अच्छे से उबाल आ चुका है। अब हम इंडक्शन को बंद कर देते हैं और ये 2 नींबू हैं, इनका हम रस निकाल लेते हैं। अब हमने नींबू का रस निकाल लिया है। अब इसमें एक भी बीज नहीं होना चाहिए और दूध को ठंडा होने के लिए 5 मिनट के लिए रख देते हैं। देखिए, अब हमारा दूध ठंडा हो चुका है। 5 मिनट के लिए रख दिया था जो हमने। अब ये नींबू के रस में हम 1/2 कप पानी डालेंगे, जिससे नींबू का रस पतला हो जाए। अब हम इस नींबू के रस को धीरे धीरे दूध में डालते हुए फाड़ेंगे दूध को। अगर आप एकदम खोलते हुए दूध में नींबू डालेंगे तो आपका पनीर एकदम से टाइट बनेगा, जिसके छेने के रसगुल्ले अच्छे नहीं बनेंगे। देखिए, धीरे धीरे डालने से ये दूध पूरा फट चुका है। इसको अच्छे से घुमाते जाएंगे। देखिए, अब हमारा दूध पूरा फट चुका है और ये ग्रीन ग्रीन सा पानी जो आ गया है, इससे पता चल गया है कि अपना ये जो हमने पनीर छेना के रसगुल्ले के लिए पनीर बनाया था वो फट चुका है। देखिए, अब हम इस बर्तन के ऊपर छलनी रखते हैं। इसके ऊपर ये सूती कपड़ा जो कॉटन का हो वो रख देते हैं। देखिए, अब हम इसका पानी को छान लेते हैं। देखिए, अब हम साफ पानी से इसमें जो नींबू की खटास थी उसको अच्छे से निकाल लेते हैं। देखिए, हमारा इसको धोने के बाद ऐसा हो गया है ये। अब इसको हम इकट्ठा करके ये निचोड़ लेते हैं। इसको अब धीरे धीरे इसका पानी निकालना है, इसे 1-2-3 बार करके निकालना है। अब इसको चलनी में रख के किसी हरी चीज़ के नीचे इसको 5 मिनट के लिए दबा देते हैं, ताकि इसमें जो पानी है वो पूरा निकल चुके। ज़्यादा पानी निकलना चाहिए, इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर रहना चाहिए। ज़्यादा सूख जाएगा तो उससे अपने छेना के रसगुल्ले अच्छे नहीं बनेंगे। देखिए, अब 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इस बर्तन को हटा लेते हैं और अपना ये दूध का फाड़ा हुआ जो पनीर था वो देखिए ऐसा हो गया है। इसमें बिल्कुल मॉइस्चर नहीं है। अब हम इसे किसी ट्रे में रख लेते हैं, किसी थाली में रख लेते हैं। देखिए, अब इसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं है। अगर ज़्यादा इसमें से सूख जाता तो ये छेना के रसगुल्ले बनाने में काफ़ी परेशानी आती। इसके लिए हमें इसको अच्छे से मथ लेते हैं। देखिए, अब हमने ये हथेली की सहायता से एकदम चिकना कर लिया है। अब हम इसमें अगर कॉर्नफ्लोर का आटा डाल देते हैं, इसे भी अच्छे से मिला देते हैं। देखिए, कितना चिकना हो चुका है। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप इसमें 1 टीस्पून मैदा भी डाल सकते हैं। देखिए, हमारा ये 2 बनके तैयार हो गया है। ये बिल्कुल हाथ में नहीं लग रहा है। इसे हम एक गीले कपड़े से ढककर रख देते हैं और एक तरफ चाशनी की तैयारी करते हैं। रसगुल्ले की चाशनी थोड़ी पतली बनती है, इसके लिए हमें 1 गिलास चीनी लेनी है और जिस गिलास से चीनी ली है उसी गिलास से 2 गिलास पानी रखना है। अब हम इसमें 2 गिलास पानी डाल देते हैं और चाशनी बनने तक हम इसे पकाते हैं। देखिए, जब तक हमारी चाशनी बन रही है तब तक हम इसके बॉल्स बना के रख लेते हैं। अब चाशनी में उबाल आ चुका है। अब चीनी की गंदगी साफ करने के लिए हम इसमें 1 कप दूध डाल देते हैं। देखिए, जो हमने दूध डाला था उससे हमारी चीनी की गंदगी थी जो एकदम साफ हो चुकी है। ये गंदगी जो है हम इसे निकाल के अलग से छान लेते हैं। देखिए, मैंने चाशनी छान कर उसे दोबारा बॉईल करने के लिए रख दिया है। इसमें अब उबाल अच्छे से आने लगा है। अब हम ये जो अपने बॉल्स बनाए थे अब उसको एक एक करके डालना है। जब तक उसमें उबाल आता रहे तब तक डालना है।
इसमें बॉल्स डाल दें, इसमें उबाल ख़त्म नहीं होना चाहिए, तो जिसमें बॉल्स डालते हैं, अगर हम इकट्ठे बॉल्स डाल देंगे तो ये चाशनी उबल रही है वो एकदम से बंद हो जाएगी, इसलिए हमें एक एक करके अपना जो बॉल्स है वो डालना है। चाशनी अपनी इतनी होनी चाहिए जिसमें बॉल्स अपने डूब सके। देखिए हमने अपने सारे बॉल्स इसमें डाल दिए हैं और इसमें अब एक झाग बन के आएगा, तो चिंता वाली कोई बात नहीं है, झाग बनते हैं बनता है तब इसमें हमें बॉल्स अपने ऊपर को आते हैं। अब हम इसको ढक देते हैं और ताकि अपने जो झाग है वो अच्छा सा बन सके। अब हम एक मिनट बाद देखते हैं, देखिए अपनी चाशनी कितना उबाल आ रहा है और जो अपने बॉल्स थे वो एकदम से फूल कर डबल हो गए हैं। एक बात ध्यान रखना, अगर चाशनी अपनी ज़्यादा होगी तो बॉल्स अपने अच्छे फूलेंगे, अगर चाशनी कम होगी तो अपने बॉल्स जो चपटे हो जाएंगे। हम इससे ढक देते हैं फिर दोबारा हाथ से अच्छे से उबाल आ जाए ताकि इसमें, देखिए अब हम देखते हैं कि अपना दूसरा उबाल आ गया है इसमें। देखिए रसगुल्ले कैसे, चना के रसगुल्ले कैसे फूल गए हैं। अगर आपकी चाशनी कम हो जाती है तो आप गुनगुना पानी करके एक कप इसमें डाल दीजिए, चाशनी कम नहीं होती है तो ठीक है। देखिए हम अपने छेने के रसगुल्ले देख लेते हैं, काफ़ी अच्छा उबाल आ रहा है, जितना अच्छा उबाल आएगा आपके रसगुल्ले उतने ही अच्छे फूलेंगे। अब हम 10 मिनट उबाल के बाद आने के बाद हम इसे इंडक्शन को बंद कर देते हैं। हम अब एक बाउल में ठंडा पानी लेते हैं नॉर्मल, अब इस सिरप के साथ हम एक रसगुल्ले को अपने बाउल में डाल देते हैं। देखिए अपना रसगुल्ले वो नीचे बैठ चुका है, तो यानी कि अपना रसगुल्ले पक चुके हैं। अब रसगुल्ले निकालने के बाद हम चाशनी को थोड़ा और गाढ़ी कर लेते हैं हल्की सी। देखिए अब हमने सारे छेने के रसगुल्ले ठंडे पानी में डाल दिए थे, अब हम इसको निकाल के प्लेट में रख लेते हैं। देखिए हमने पानी में इसे निकाल के एक बाउल में रख लिए हैं इस तरीके से। चाशनी अब पक गई अपनी, हम इसे अब छान लेते हैं फिर से। अब हम रसगुल्लों को निचोड़ के चाशनी में डाल देते हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं। अगर आप इस ट्रिक से बनाएंगे तो आपके गुलाब जामुन कभी भी ना फटेंगे ना बिखरेंगे। सारे बॉल्स मैंने अब चाशनी में डाल दिए हैं, अब हम इस अपने छेने के रसगुल्लों को ठंडा करके फ्रिज में 1 घंटे के लिए रख देते हैं। अगर ज़्यादा टेस्ट चाहिए आपको तो आप इसे फ्रिज में 10 से 12 घंटे बाद खाएँ तो आपको काफ़ी अच्छे लगेंगे। अब अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। थैंक यू। ये छेने के रसगुल्ले मैंने 8 से 10 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिए थे, चलिए मैं आपको इसको काट के दिखाती हूँ। देखिए इसको कितना आसानी से कट गया है, देखिए कितना सॉफ्ट बना है, इसमें चाशनी और अच्छे से भर गई है, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। Thank you.